पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से हर कोई परेशान है, क्योंकि इसका असर हर किसी पर हो रहा है। लोगों की एक ही इच्छा है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती हो। जनता सरकार की तरफ उम्मीद भरी नजर से देख रही है, लेकिन सरकार ने पहले ही कीमतों को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। दरअसल पेट्रोल डीजल के भाव रोज सुबह तेल कंपनियां तय करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव में उतार चढ़ाव के अनुसार देशी कंपनियां कीमतें तय करती हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय संकेत मिल रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से राहत की उम्मीद कम है। अजरबैजान की ऑयल ट्रेडिंग कंपनी सोकार ट्रेडिंग SA का अनुमान है कि अगले 18 से 24 महीने में बेंचमार्क ब्रेंट ट्रिपल डिजिट को छू सकता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट क्रूड यानी कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार जा सकती है। ऐसे में आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के भाव ₹100 लीटर ऊपर पहुंच जाएं तो इसमें हैरानी नहीं होगी, यानी पेट्रोल और डीजल के भाव और महंगे हो सकते हैं। फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल ₹90.93 और डीजल ₹81.32 लीटर है। वहीं बैंक ऑफ अमेरिका ने भी अनुमान लगाया है कि अगले कुछ वर्षों में कच्चे तेल के भाव फिर से $100 प्रति बैरल के पार चला जाएगा। फिलहाल ब्रेंट क्रूड का भाव $66 प्रति बैरल के करीब है। दरअसल कोरोना संकट के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। कच्चे तेल के भाव 18 साल के सबसे निचले स्तर $19 प्रति बैरल तक पहुंच गया था। उसके बाद लगातार तेजी आ रही है। शेयर बाजार के ऑप्शंस मार्केट में दिसंबर 2022 के लिए तेल की कीमतों पर $100 से ऊपर के भाव पर दाव लगाया जा रहा है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।